आज हम बनाएंगे रेड वेलवेट केक मिरर ग्लेज के साथ। नमस्कार, सोनालिका गौमे किचन में आपका स्वागत है। इस रेड वेलवेट केक को बनाने में हमने जो भी सामग्री जिस मात्रा में यूज़ की है उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, और इसी तरह की नई रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से दबाएं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके फ्लोर को मिक्स करने से और तैयार करने से। तो सबसे पहले हमने 1 कप मैदा ले लिया है। 1 कप मैदे को हम छान लेंगे, ये करीब 100 ग्राम होगा, और 2 चम्मच इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। साथ ही साथ इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। अब इसको सावधानी से छान ले बढ़िया से इसको। इससे 2 फायदे होते हैं, पहली तो कोई अशुद्धि होगी तो वो निकल जाएगी, दूसरा फायदा है कि इसके बीच थोड़े से एयर बबल्स आ जाते हैं जिससे केक आपका बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। तो इसलिए इसको छानने से केक आपका अच्छा बनता है। तो उसको एक बारी छान कर रख ले, ये बिल्कुल क्लीन है मैदा हमारा, बढ़िया से ये छन गया। अब इसको साइड करते हैं और एक बड़े से बोल में 4 अंडे को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे 4 अंडे लेने के बाद उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है, बिल्कुल पिंच है, 1 पिंच नमक है। साथ ही साथ 1 चम्मच वैनिला एसेंस डाला हमने, और चीनी डाली है, ये नॉर्मल शुगर हमने लिया है, और शहद डालेंगे हम यहाँ पे। इससे केक काफ़ी मॉइस्ट बनता है, तो थोड़ी सी मात्रा में शहद डाल लें और उसको अच्छे से मिला लें। तो पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको विस्क करेंगे, और आप चाहे तो इससे भी इसको फ्रॉथी होने तक मिला सकते हैं, पर समय ज़्यादा लगता है इसलिए हम विस्क करेंगे इसको ब्लेंडर से। तो हमने करीब हाई स्पीड पे करीब 4 से 5 मिनट तक इसको विस्क किया, तो ये ऐसा फ्रॉथी बन गया है हमारा। अब इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे और इसमें जो हमने मैदा तैयार किया था बैचेस में ऐड करेंगे। तो मैदा हमने 1/2 यहाँ पे ले लिया है, और साथ ही साथ इसमें 1 चम्मच हम कोकोआ पाउडर डाल देंगे, कोको पाउडर। अब इसको आप मिला लें, इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे और बैचेस में हम इसमें डालेंगे। तो सावधानी पूर्वक इसको इसमें डाल लें और अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना रहने पाए। अब इसको हल्के हाथों से मिलाएं, इस मिश्रण में इसका एक मिश्रण बढ़िया सा तैयार करें, इस तरह से हल्के हाथों से मिलाते हुए ताकि ये बढ़िया सा फ्रॉथी बना रहे, तो आपका केक बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब ये बढ़िया से मिक्स हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट राउंड जो हमने मैदा रखा था उसको डाल लेंगे। तो इसको भी आप उसी प्रकार से डाल लें। इसको अच्छे से डालने के बाद फिर से हम हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। तो इसको भी हल्के हाथों से मिक्स करना शुरू करें और बढ़िया से मिलाएं, हल्के हाथों से राउंड और कट करते हुए इसको आप फेंटते रहें, और बिल्कुल से बढ़िया सा स्मूथ सा बैटर हमें तैयार करना है। बिल्कुल बढ़िया स्मूथ बैटर रेडी हो गया। अब इसको साइड में रखते हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया सा हमारा बैटर रेडी हो गया है। और हमने जो बटर लिया था उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाल देते हैं जिससे बटर ये अच्छे से पिघल जाएगा। इसको मिला लें, और जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ये बटर तब हम इसको बैटर में डालेंगे, और जब बढ़िया से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ये बटर तो उसमें हम कलर डालेंगे। तो इसको अच्छे से मिलाएं, रूम टेम्परेचर पे ये आ गया है तो हम इसमें लाल फूड कलर मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि एक बढ़िया सा कलर आ जाए बिल्कुल रेड वेलवेट का। तो इसको अच्छे से मिला लिया हमने, अब इसको हम केक के बैटर में ऐड करेंगे। तो उसके पहले हम अपना मोल्ड रेडी कर लेते हैं। मोल्ड में हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, वेजिटेबल ऑयल है, आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं। और यहाँ पे बटर पेपर को हमने कट करके डाल लिया है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ग्रीस कर लें, और आपके पास बटर पेपर ना हो तो हल्का सा मैदे का डस्ट कर लें, उससे भी बहुत अच्छे से केक निकल जाएगा। यहाँ पे हमने साइड में भी बटर पेपर लगाया है, तो बढ़िया से ग्रीस करके इसको रेडी करके साइड में रख देंगे, और थोड़ा सा बैटर लेके इसमें डालेंगे कलर वाले मिक्सर में। तो इसको मिलाएं, इससे केक
में मिलाने पे बड़ी आसानी रहती है और हमारा कलर अच्छा आता है। तो इसको अच्छे से मिलाएं आप, तो बैचेस में इसको भी हम मिलाएंगे, एक साथ ना डालें, इससे आपको मिलाने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो दो बैचेस में करके हमने इसको डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करें, बिल्कुल से एक सार हो जाना चाहिए रंग। तो अच्छे से मिलाते हुए इसको बढ़िया से मिक्स करें ताकि बटर, कलर ये सभी अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारे केक बैटर परफेक्ट रेडी है। अब इसको हम मोल्ड में डालेंगे और मोल्ड में डालने के बाद इस बीच हमने अवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री सी पे। अब इसको हम कन्वेक्शन मोड पे 30-35 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद ये पकने के बाद हमारा केक बढ़िया रेडी है। और 30 मिनट के बाद एक बार इसको चेक कर लें, क्योंकि अवन की कैपेसिटी के हिसाब से इसके पकने का समय 5 से 6 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो 30 से 35 मिनट के बाद एक बार चेक कर ले टूथपिक से, और जब वो क्लीन निकल जाए तो केक रेडी है। ये देखिए हमारा केक बहुत बढ़िया बना है, दोनों साइड से दिखाया हमने, और इस बहुत स्पॉन्जी भी है। तो उसको ठंडा करने रख दिया हमने। इस बीच हम नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम एक ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 250 ml व्हिपिंग क्रीम लिया है, 1 चम्मच वैनिला एसेंस और शुगर पाउडर यहाँ पे हमने यूज़ किया है। इसको पहले हल्के हाथों से मिला लें, उसके बाद हम विस्क करेंगे। तो इस बोल को हमने फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, फ्रिज में या फ्रीजर में इसको थोड़ी देर के लिए रख दें। ये जितना चिल्ड रहेगा आपका स्टिफ पिक बनेगा। तो अब व्हिपिंग क्रीम को हम सारी सामग्री के साथ एक साथ इसमें विस्क करेंगे। तो 4 से 5 मिनट के बाद हाई स्पीड पे इसका वॉल्यूम करीब 3 गुना हो जाएगा और बढ़िया स्टिफ पीक आने लगे। तो आप विस्क करना बंद कर दें। ये हमारा क्रीम अब रेडी हो गया है। ये देखिए बढ़िया पीक बन रहा है, क्रीम रेडी है। तो इसको अब ये थोड़ा सा और ठंडा रखने के लिए हमें केक में आइसिंग करने से पहले इसको फ्रिज में रख दें। तो उसको फ्रिज में रखने के बाद केक को हम कट कर लेते हैं। तो केक की पहले लाइनिंग कर ले, उसके बाद काटे। तो यहाँ पे हमने इसकी लाइनिंग कर ली है और इसके बाद इसको 2 हिस्सों में हम बांटेंगे। तो ये पहला हिस्सा हमारा है, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट केक बनाया है, ये देखिए। अब इसके पहले वाले लेयर को एक प्लेट में डाल लेंगे। क्रीम को निकाल कर आप पाइपिंग बैग में डाल लें, इससे आइसिंग करने में आसानी होती है। ये वाला हमने नोज़ल लगा लिया है इसमें। अब हम शुगर सिरप लगाएंगे। 1 चम्मच चीनी और 5 चम्मच पानी मिलाकर हमने ये शुगर सिरप तैयार किया है। इससे केक काफ़ी मॉइस्ट बनता है। अब आप इस पर क्रीम की लेयर लगाएं सावधानी से, और जब बढ़िया से ये लग जाएगा तो हम इसको फिर बढ़िया अच्छे से फैलाएंगे। बिल्कुल इसे एक सार करना है हमें इस क्रीम के लेयर को। तो एक चाकू या किसी स्पैचुला की सहायता से आप इसको अच्छे से फैला दें। ये अच्छे से जब फैल जाएगा तो हम इसमें नेक्स्ट लेयर जो केक हमने कट करके रखा है वो डाल देंगे। इसको भी सावधानी पूर्वक डालें और ऐसे डालें कि ऊपर आपका प्लेन सरफेस आए। उसके बाद इसमें भी हम शुगर सिरप लगाएंगे और इसकी आइसिंग करेंगे। और आइसिंग करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब पहला लेयर सेट हो जाएगा तो हम दूसरा लेयर लगाएंगे और इसको अच्छे से प्लेन कर ले। ये बढ़िया से हो गया है रेडी, तो हम इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो करीब आधे घंटे बाद हम दूसरी लेयर लगा रहे हैं यहाँ पे। तो आधे घंटे के बाद ये दूसरी लेयर डाल के, अब इसको चारों तरफ से आप क्रीम डालकर अच्छे से लेयरिंग करें इसकी क्रीम के साथ, बिल्कुल बढ़िया से प्लेन करते हुए। पहले ऊपर से फिर साइड से इसको बढ़िया से मिलाएं। इसके बाद हम इस पे मिरर ग्लेज लगाएंगे। मिरर ग्लेज लगाने से पहले इसको फ्रिज में डाल दें। जब तक केक ठंडा हो रहा है मिरर ग्लेज तैयार कर लेते हैं। तो गर्म पानी में सबसे पहले हम चीनी डाल लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिल जाए तब हम इसमें कॉर्न सिरप डालेंगे। थोड़ा ये स्टिकी होता है, इसको सावधानी से निकालें और इसको मिला लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और गैस को बंद करके गरम सिरप में ही कंडेंस्ड मिल्क डाल देंगे। और वाइट चॉकलेट को हमने थोड़ा सा पिघला लिया था यहाँ पे माइक्रोवेव में 30 सेकेंड के लिए।
तो इसको आप बढ़िया से मिक्स करके इस सिरप में डाल लें। साथ ही साथ जेलेटिन को भी हमने यहाँ पे डाल लिया है। इन सारे रेशियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें। और अब हम इसमें रंग डालेंगे। अभी हमारा सिरप गरम है और गरम में ही हमें ये सारी सामग्री मिलानी है, तो आप इच्छा अनुसार इसमें कलर डाल लें। जब बढ़िया कलर आ जाए इसको, तो फिर हम कलर डालना छोड़ देंगे, उसको बढ़िया से मिला लें और एक बार इसको छान लेंगे ताकि कोई लंप हो तो वो निकल जाए और बिल्कुल से ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसके बाद हम इसको केक पर अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने से पहले इसको हम पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है तो इसको बढ़िया से इसमें डालें और बिल्कुल चिल्ड केक पे इसको डालें हल्के हाथों से, ताकि इसकी बहुत बढ़िया सी लेयर इस पे आए। इसको करीब हम 3 बार अप्लाई करेंगे फ्रिज में। बीच बीच में आधे घंटे के लिए हमने उसको डाला, फिर दूसरी लेयर डाली, फिर आधे घंटे के लिए हमने उसको फ्रिज में डाला, तीसरी लेयर डाली। तो 3 लेयर के बाद और 1 घंटे जमने के बाद फ्रिज में ये हमारा मिरर ग्लेज केक बहुत बढ़िया से रेडी है। अब इसकी थोड़ी सी आप डेकोरेशन कर ले, बढ़िया से इसमें क्रीम से आप फ्लावर बना दे या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर जो एडिबल फ्लावर्स हैं यहाँ पे हमने लगाए हैं ये लगा ले, तो बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट और यमी रेड वेलवेट केक तैयार है। इसका आनंद ले और इसी तरह की नई रेसिपीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।